बना हुआ है चारों तरफ से भाई पहाड़ों के बीच में। भाई यहाँ तो ना मतलब वो वाला लगा लो कि ड्रोन उड़ाने की नीड नहीं है, ऐसे ही ड्रोन शॉट मिल रहे हैं। तो अभी देखना ये देखो भाई अलग ही भाई गाइस अलग ही। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, बिकॉज तुम्हारा भाई जाने वाला है एक ऐसी जगह जो कि आप देख के बोल ही नहीं सकते कि भाई दिल्ली NCR में है। तो भी एक जगह चलने वाली है भाई, एक कैंपिंग साइट है और अपने आसपास ही है, बट लोकेशन देखना गाइस, देख के ना भाई दिल ही खुश हो जाएगा। और आज तो ना भाई धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है और तुम्हारा भाई कल रात से सोया नहीं है, आग देख सकते हो भाई रेड हो रही है और रेस्ट करने का टाइम मिला नहीं बिल्कुल, कल बिजी था भाई कहीं गया हुआ था। बट अभी देखो भाई कितनी तो धूप निकली हुई है और मैं अकेला नहीं जा रहा गाइस, मेरे दो तीन फ्रेंड और आ रहे हैं, तो उन के साथ जाएंगे भाई। और बढ़िया जगह है गाइस, मज़ा आएगा आपको देख के ना, दिल खुश हो जाएगा कि यार क्या जगह है। तो अभी उन का भाई से बात कर लेते हैं कहाँ मिलेंगे सारे बाकी और मिलके फिर चलते हैं साथ। तो गाइस अपनी वाली गाड़ी तो हमने लगा दी यहाँ और अपने भाई है त्रिलोक भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस भाई की स्कॉर्पियो में आ गए और मैं और त्रिलोक भाई है अभी, बाकी गाइस अभी अपने एक भाई और आने वाले कंफर्म नहीं है, बट अभी भाई के पास जा रहे हैं, अगर वो चलेंगे तो फिर मज़ा आएगा। और जगह जहाँ जाने वाले ना भाई मज़ा आ जाएगा, वीडियो में बने रहो। तो गाइस अपने एक छोटे भाई और आ चुके हैं, कैसे अमित भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो भाई ये दोनों बंदे बहुत दिन से फरार है मतलब मेरी नज़रों से, तो आज मिलके कुछ एक जगह दिखाते हैं आपको, बहुत प्यारी जगह है और काफ़ी देर होगी बोलते हुए, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा बस चलेंगे सीधे। गाइस प्लान चेंज हो गया भाई, वापस थार लेने आ गए, बिकॉज आगे ना थोड़े से ऑफ रोडिंग के ट्रैक भी है तो वहाँ भी चलेंगे, तो इसलिए थार में चल रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा और चेंज आ गया भाई, स्कॉर्पियो भी चल रही है और थार भी चल रही है, थार में मैं और त्रिलोक भाई चल रहे हैं और स्कॉर्पियो को अमित लेके आ रहे हैं, तो अब निकलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फाइनली जा कहाँ रहे हैं। तो भाई एक रिजॉर्ट है मांगर प्लेस में और भाई रिजॉर्ट बना हुआ है इतना प्यारा, वहाँ जाने के बाद ना हम आपको दिखाएंगे, अभी आप देखना आप कह नहीं सकते कि भाई दिल्ली NCR में इतनी अच्छी जगह हो सकती है। तो मैं एक बार पहले गया था काफ़ी पहले, बट उस टाइम तुम्हारा भाई यूट्यूबर नहीं था तो वीडियो बनाई नहीं, बट आज मेरे को एकदम अचानक से ध्यान आया जैसे ही अपनी बाइक की कॉल आई, तो मैंने कहा यार आज चलते हैं भाई, तो अभी देखने जा रहे हैं। तो पहले तो नाम शायद कुछ और था बट अभी उसका नाम है, मैं वो नाम डाल दूंगा भाई उसका, बाकी जो लोकेशन है ना गाइस वो देखना, वो अल्टीमेट है। और इसलिए ना तुम्हारा भाई घर से ड्रोन भी उठा के आ गया और ड्रोन शॉट भी लेंगे वहाँ के, बाकी उससे आगे एक लोकेशन और पड़ती है जहाँ पूरी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो गाइस अपने GFR रोड से भाई ये वाला कट है गाइस, ध्यान से देखना राइट साइड में, यहाँ पीछे बनी हुई है पुलिस चेक पोस्ट और ये कट जाता है भाई अपना मांगर गाँव के लिए। तो जो अपना रिजॉर्ट है वो है मांगर गांव में थोड़ा आगे जाके एक अल्टीमेट लोकेशन पे, बट जो ये अभी आने वाली ये सड़क है इसका आप देखना भाई टाइम लैप में वीडियो, बहुत ही प्यारी नज़ारों के साथ। तो गाइस ये है भाई लोकेशन और जहां हम जा रहे हैं वो इससे भी आगे, बट ये अपने ना भाई दिल्ली NCR की मनाली शिमला लगा लो आप इसे भाई, पूरा ना एक गांव है मांगर गांव और चारों तरफ से भाई पहाड़ों से घिरा हुआ है। अभी आगे पहुंच के गांव भी दिखाएंगे, बाकी अगर आप राइट में देख पा रहे हो तो भाई इस तरफ देखो भाई, यहाँ अभी देखना थोड़े ना एक तो पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए भाई बारिश की वजह से, वरना ये वाला जो हिस्सा है ना भाई राइट का पूरे ऐसे पहाड़ दिखते हैं, अगर आगे से दिखेंगे तो मैं दिखाता हूँ गाइस। अभी देखो भाई यहाँ पे देखो, ये देखो यार आप मतलब ये देख के क्या कहोगे कहाँ पर है हम। और ये वाली जो भाई नीचे उतरने के लिए ना इतनी हैवी ढलान है और ये गांव बना हुआ है चारों तरफ से भाई पहाड़ों के बीच में। भाई यहाँ तो ना मतलब वो वाला लगा लो कि ड्रोन उड़ाने की नीड नहीं है, ऐसे ही ड्रोन शॉट मिल रहे हैं। तो अभी देखना ये देखो भाई अलग ही भाई गाइस अलग ही, बहुत ही प्यारी जगह है। और बाइक वाला देखो भाई कैसे चढ़ेगा, मतलब इतना ईजी नहीं है
पूरी भाई लेह लद्दाख वाली फील दे दी। हाँ, और ये देखो भाई पूरा ना मजा आ गया। तो गाइस रिजोर्ट पे पहुंचते हैं और वहां पे दिखाते हैं, वहां भी ना भाई अल्टीमेट जगह है और वहां के लेंगे ड्रोन शॉट, मजा आएगा। तो भाई यहाँ रुके हैं अभी कुछ पानी की बोतल और कोक लेने के लिए, तो अभी चलते हैं। ये लो ब्रो, गाइस ये देखो भाई नेचुरल स्विमिंग पूल, अपने लिए नहीं बट ये देखो भाई आराम से बफेलो भैंसे नहा रही है इसमें। और ये पहाड़ी देखो भाई, मतलब आप कह सकते हो कि हम दिल्ली एनसीआर में हैं यार, अलग ही भाई, अलग बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ना। और मौसम भी भाई बहुत प्यारा हो रहा है, ना कोई धूप निकली हुई ना कुछ, मतलब धूप निकलती है चली जाती है। और सामने देखो भाई अपने, और ये है भैया रिजॉर्ट का रास्ता, ये देखो अब आप क्या ही नजारे है भाई, मतलब अलग ही गाइस। गाइस ये देखो भाई, मतलब यार मेरे तो ना व्यू देख के दिल खुश हो गया बिल्कुल। और जो अपना रिजॉर्ट है ना भाई बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, मतलब फन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है भाई, मजेदार है यार। अभी चल के दिखाते हैं बस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब कि आप अपने लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये सारा रिजॉर्ट का ही एरिया है। और ये देखो भाई बिल्कुल ना पहाड़ी के नीचे से चलेंगे, पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ में रास्ता बना हुआ है और पूरा ना मतलब एडवेंचर वाली जगह है यार। और लोग बाग यहाँ भाई नाइट स्टे के लिए भी आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में। बाकी अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो ये देखो भाई वहाँ वो सब बना हुआ है, मतलब नेट वगैरह क्रॉसिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और बहुत फन वाला सीन है। तो भी पहुँचते हैं आगे और फिर दिखाते हैं। तो गाइस ये लगा हुआ है भाई बोर्ड, और ये देख लो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह भी यहाँ छपी हुई है और ये नाम है भाई। बाकी एक बार अंदर चलते हैं रिजॉर्ट में वो दिखाते हैं। तो गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल तो भाई इसमें ना रिनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें बन रही है। बाकी लोकेशन देख लो आप, और एंट्रेंस वगैरह भाई कुछ ऐसी है, और पूरे नाइट स्टे वगैरह का सारा सीन है, अंदर अभी काम चल रहा है। बाकी अगर यहाँ के भाई ओनर जो भाई मिलेंगे उनसे पूरी और डिटेल दिलाएंगे और उनकी वेबसाइट वगैरह भी बताएंगे आपको कौन सी है क्या है। बट भाई क्या ही जगह है गाइस, क्या ही जगह है, फुल भाई प्यारी जगह है, दिल खुश हो गया। ये देखो भाई अभी देखो ग्रीनरी देखो यार गाइस कितनी है, अलग ही भाई अलग ही। तो लो भाई भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया बढ़िया है यार। और इवन छोटे छोटे वो बना रखे हैं इन्होंने ना कैंप टाइप, ये देखो भाई छोटे छोटे अलग ही भाई काम चल रहा है। हाँ, और अभी यहाँ काम चल रहा है गाइस, ये देखो बारिश वगैरह जैसे हैवी होगी होगी तो यहाँ भी रिपेयर चल रहा होगा काम। बट यार मेरे तो ना ये दिल खुश हो गया, पूरी जंगल वाली फील, पूरी फुल जंगल सफारी हो रही है आज तो। अरे वाह भाई वहाँ गए हम, कौन सी जगह है वो जहाँ वो टाइगर वगैरह देखने जाते हैं भाई, कौन सी वाली फील आ रही है यहाँ के भाई? यहाँ आके जिम कॉर्बेट वाली फील आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे भाई, ये देखो भाई यहाँ बस पानी, बारिश कम होगी ना तो पानी बंद हो गया, बाकी पूरी ना ऐसे आर्टिफिशियल वो भी बनाई हुई है और ये नेचुरल भी है भाई। तो भाई मजा आ गया भाई, फुल बढ़िया यार, मजा ही आ गया, मतलब दिल खुश हो गया भाई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब आप बताओ भाई, गाइस सबसे पहले मेरे को ये बताओ वो कौन बंदा है जो ये कह सकता है कि अभी हम दिल्ली एनसीआर में हैं। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ भाई, ये देखो गाइस, मतलब यार ये सब भाई इधर पूरी ना वो अलग ही फील आ रही है, नेक्स्ट लेवल ही भाई। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा इधर ये हट टाइप बनी हुई है, मेरे को तो लोकेशन देख के ना भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और यहाँ किचन वगैरह भी बनी हुई है और सारी चीजें वो भी दिखाएंगे आपको, और इधर एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी चीजें वो भी दिखाएंगे गाइज। अभी देखो भाई बिल्कुल व्यू देखना है, और ये सामने वाला व्यू देखो भाई, ऊपर वाला जो पहाड़ है ना भाई, मतलब मैं कश्मीर गया था गाइज और सेम ना बिल्कुल सेम ऐसा पहाड़ है भाई, और पूरी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है। इस तरफ अपने ये भाई टेंट बने हुए सारे, एक टेंट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो भाई अभी यहाँ काम चल रहा है,
ये इस तरह होगा, इस किचन बनी हुई है और अपनी गाड़ी हमने यहाँ छाया में लगा दी। और आगे यहाँ पे अभी मेरे को त्रिलोक भाई ने बताया, कौन सी जगह बता रहे हो, कौन सा लेक है एक आगे? दो झील है, पता नहीं नाम तो क्या है पर है झील। मतलब ऐसे ही कोई भाई नेचुरल लेक बने हुए हैं, उन्हें देखने जाएंगे और थार लेके चलेंगे शायद, ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक है पूरा। बाकी अभी एक वो दिखाते हैं पहले। तो गाइस ये देखो कैंप बने हुए है भाई लाइन से, 1 2 3 4 5 6 और बाकी काम चल रहा है। और तो हर कैंप के सामने भाई ऐसे ना पूरा ये अभी मतलब काम रेडी हो रहा है, तो होने के बाद पूरा कंप्लीट ये पानी वगैरह भर के रहेगा इसमें, और उस तरफ भी काम चल रहा है। बाकी ग्रीनरी पूरी है और अंदर से दिखा देते भाई कैसे बने हुए है। तो एंट्रेंस कुछ ऐसी है भाई, और अंदर चलते हैं। तो भाई बीच में मिल जाते ये वाला एरिया, यहाँ टेबल चेयर कुर्सी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, अभी काम चल रहा है तो पूरे रेडी होने के बाद आप सोच सकते हो भाई क्या फील आएगी। तो गाइस अब चलते अंदर भाई। ये है कुछ अंदर से भाई इंटीरियर, और इसमें भाई डबल बेड करा हुआ है, बट एक रूम में एक बेड आएगा। और ऐसा है कि बहुत सारे यार दोस्त आते हैं अगर एक साथ, तो ऐसे बेड कंबाइन भी करा सकते हैं, या फिर आप बस एक डबल बेड भी डलवा सकते हो। और विंडो वगैरह भी बनी हुई है भाई सारी, ये खुलती भी है सब, लाइट वगैरह भी है, और कूलर वगैरह का भी आपको बंदोबस्त मिलेगा। बाकी वॉशरूम देखो गाइस, ये बना हुआ है भाई वॉशरूम, तो कुछ ऐसा आपको भाई वॉशरूम नहाने के लिए, शावर वगैरह, और ये बहुत सारी पॉकेट बनी हुई है भाई सामान वगैरह रखने के लिए। तो गाइस ये तो हो गया इंटीरियर, और बाहर से आपने देख लिया। बाकी एक ड्रोन शॉट और लेंगे, बट वो लेंगे भाई ड्रोन शॉट आके, अभी चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं अभी उस लोकेशन पे जो भाई बता रहे थे, तो वहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं पहले। तो भाई इस तरफ जितने भी ना भाई एक्टिविटी की चीज़ें बनी हुई है वो सब आप, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट में। तो अभी ड्रोन शॉट लेंगे, गाड़ी लगाते हैं अपनी वहाँ पर और फिर लेते हैं ड्रोन शॉट। तो गाइस ड्रोन शॉट लिए थे अभी हमने, ड्रोन शॉट आपने देख लिए भाई, कमेंट करना कैसे लगे। और बाकी जो यहाँ की पूरी डिटेल है ना, एड्रेस वगैरह सारी चीजें वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। बाकी अभी जा रहे हैं मैं एक लोकेशन पर और थोड़ी ऑफ रोडिंग करने, और ट्राई करेंगे जो पीछे लेक है ना भाई वो आपको दिखाए, अगर गाड़ी वहाँ तक पहुँची तो, वरना फिर ड्रोन से दिखाएंगे गाइस, बट दिखाएंगे जरूर भाई। और ज़्यादा अंदर हुआ ड्रोन भी नहीं गया तो फिर तो सो सॉरी, बट अभी चलते हैं और अभी देखो गाड़ी कहाँ से निकलेगी अपनी। गाइस ये देखो भाई अभी ना भाई मतलब टाइम हो रहा है भाई पूरे ना दिन के बजे हुए 12, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश थी कई दिनों से, आज बारिश नहीं है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस है, इस वजह से ना भाई गर्मी लग रही है मेरे फेस पे भाई, आपने देख लिया होगा भाई कितने पसीने आ रहे। बाकी यार ये देखो यार, ये जगह देखो भाई क्या ही बना रखी है अपने आप में। तो इसके ना भाई पूरी डिटेल शेयर करूँगा बाकी जिस भी भाई को आना हो। अभी तो शायद काम चल रहे हैं तो उस पर जो भी नंबर दिए होंगे उन पर भाई आप कॉन्टेक्ट कर लेना। देखो ना एक एक चीज़ ना भाई पूरी डिटेल से, और ये पूरा ना पानी भरा रहेगा इसमें, ये रिवर बनी हुई है ना, और यहाँ से रिवर क्रॉसिंग है गाइज, मतलब यार अलग ही गाइज, दिल खुश चीज़। तो अभी चलते हैं भाई जो एक जगह हमारे भाई ने बताई है त्रिलोक भाई ने, वहाँ पर चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको।